हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों का स्वागत है माय न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि सिंघम अगेन मूवी आ चुकी है, रिलीज हो चुका है 1 नवंबर को और थिएटर में आ चुका है। तो मैंने बता दूं, ट्रेलर में जो दिखाया था उससे बेस्ट मूवी है सिंघम अगेन, और बहुत ही अच्छी मूवी लगी मुझे। मैं फर्स्ट मूवी देख के आया था सिंघम अगेन 1 नवंबर को, तो बहुत ही कमाल की मूवी लगी। और जो उसकी स्टोरी थी भाई साहब, कमाल की स्टोरी थी, और उसके जो सीन्स थे वो भी काफी कमाल के थे। मैं बता दूं, इस फिल्म में, सिंघम अगेन में, इसमें सिम्बा मूवी का और सूर्यवंशी मूवी का जो है स्टोरी उठा रखा है ज्यादातर। मैं बता दूं, सूर्यवंशी जो मूवी थी उसकी पूरी स्टोरी इसमें आपको दिखने को मिलेगी सिंघम अगेन में, कि वहां पे जो कुमार हफीज को जो उठाता है, वो जो बच जाता है, तो उसको जो अजय देवगन जो वार्निंग देता है, उसको पकड़ने चला जाता है कश्मीर। तो कश्मीर से जो कहानी शुरू होती है वो यहाँ पे सिंघम अगेन में शुरू होती है। और सिंघम अगेन में ये दिखाया गया है, जो कुमार हफीज के जो बेटे रहते हैं, जिनको एनकाउंटर में मार देते हैं सूर्यवंशी में, अक्षय कुमार, अजय देवगन और रणवीर सिंह, तो उसके जो बेटे होते हैं वो बनता है डेंजर लंका। वो होता है कुमार हफीज का पोता होता है। वही दिखाया गया है सिंघम अगेन में, कि वो लंदन में पढ़ता रहता है और वो ये अपने माँ बाप के कातिलों का बदला लेता रहता है सिंघम से। तो ये दिखाया गया है सिंघम अगेन में। और मैं बता दूं, सिंघम अगेन में सूर्यवंशी फिल्म की ही पूरी कहानी है। और उसके बाद जब अजय देवगन जब पकड़ने जाते हैं कुमार हफीज को, तो अजय देवगन की जो फैमिली होती है, जो जिसे करीना कपूर है उसकी वाइफ, और तो उसको वो उठा लेता है, तो उसके ऊपर बेस ये फिल्म है। उसके बाद वो अजय देवगन उनको बचाने जाता है, और बीच बीच में आपको रामायण देखने को मिलेगा। दोस्तों, रामायण के हिसाब से इनमें कैरेक्टर बनाया गया है, जिसमें राम अजय देवगन को बनाया गया और सीता करीना कपूर को बनाया गया। और फिल्म बहुत ही कमाल की, और बीच बीच में आप जब मूवी देखने जाओगे थिएटर के अंदर, तो बीच बीच में आपको रामायण दिखाएगा, और रामायण में दिखाने के बाद आपको बताया जाएगा कि कौन सा हीरो कौन से कैरेक्टर से निकला गया है या बनाया गया उनको। तो दोस्तों, ये है मूवी के अंदर, और बहुत ही कमाल की मूवी लगी मुझे। मैं देख के आया, मुझे बहुत ही पसंद आया। और मैंने कुछ क्लिप, मैंने शॉर्ट्स लिए हैं सिनेमा थिएटर के, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। साइड में आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे, मैं आपको दिखा दूंगा कि यहाँ पे कुछ सीन्स है, जैसे अक्षय कुमार की एंट्री होती है या अजय देवगन की फाइट होती है, या कुछ भी ऐसे सीन्स हैं जो बहुत ही कमाल के लगे हैं। और लास्ट में जो फाइट का सीन है वो भी बहुत ही कमाल का है। तो यहाँ पे बहुत ही मस्त मूवी लगी मुझे, और ट्रेलर जितना दिखा दो उससे बेस्ट मूवी है। और इसमें मैं बता दूं, इसमें 3 मूवियों को इसमें मिक्स कर रखा है। जैसे आपने सिंघम देखी है पार्ट 1, उसकी भी स्टोरी थोड़ी सी यहाँ पे मिक्स कर रखा है। उसके बाद आपको मैं बता दूं, सिम्बा मूवी का भी यहाँ पे सीन दिखने को मिलेगा आपको, और उसके बाद सूर्यवंशी का तो आपको 50% ही मूवी देखने को मिलेगा इसके अंदर। और इसमें बताया गया है कि जैसे सिंघम एक सुपर हीरो है, पुलिस ऑफिसर, जो एक ईमानदारी के लिए लड़ते हैं, उनके बारे में सुन के और पढ़ के कई लोग होते हैं जो उनके जैसा बनना चाहते हैं, तो वो दिखाया गया। जैसे टाइगर श्रॉफ बनना चाहते हैं उनकी जैसे, और रणवीर सिंह बनना चाहते हैं सिंघम सर की तरह, दीपिका पादुकोण है सिंघम लेडी बनना चाहती है, तो इस तरह की मूवी में दिखाया गया है। तो टोटली मैं कह दूं आपको, सिंघम अगेन पैसा वसूल मूवी है, आप लोग सोचो नहीं। और आपने थ्रिलर अगर देखा है तो आप सिंघम अगेन जरूर देखना जाके मूवी में, थिएटर में, और बहुत ही कमाल की मूवी है। और आपको मैं बता दूं, बहुत ही कमाल का लगा। इसमें कोई कार्टून वार्टून नहीं, जैसे आपने आदि पुरुष देखी थी, आदि पुरुष सबसे बकवास मूवी थी, रामायण के ऊपर बेस करके आपको बकवास मूवी दिखाया गया, कार्टून दिखाया गया, लेकिन इसमें क्या रियल कैरेक्टर दिखाए गए हैं। और बीच में आपको रामायण की स्टोरी भी बताई गई है, कि कैसे रावण को मारा जाता है, कैसे राम लक्ष्मण को पकड़ा जाता है, इस चीज को दिखाया गया है। तो बस आप लोगों का कहना है कि सिंघम अगेन आप जाकर थिएटर पे देख सकते हो। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो बस आपको करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैंने साइड में आपको क्लिप दिखा दिया है दोस्तों, देख सकते हो सिंघम अगेन, जाके आप थिएटर में देख सकते हो। तो वीडियो पसंद आया तो बस अगली वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।